नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने हेल्थ चैनल मिशन गुड हेल्थ पर। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो है योगासन। और जब हम जिक्र योगासन का करें तो सबसे पहले नाम आता है प्राणायाम का। भारतीय योग पद्धति में प्राणायाम का एक विशेष महत्व है और इसको सही प्रकार से करने से हमारे बहुत से असाध्य योग सही हो जाते हैं। और अगर स्वस्थ मनुष्य इसको लगातार करे तो उसके स्वास्थ्य में अत्यंत वृद्धि होती है। तो आइए सीधे चलते हैं श्री दुर्गादास जी के पास और उनसे जानते हैं प्राणायाम का महत्व और इसे करने की सही विधि। सभी को नमस्कार। आज का विषय प्राणायाम। जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, प्राणायाम प्राणों का आना और जाना। प्राणायाम पांच प्रकार के होते हैं। पहला प्राणायाम नासिका टू हार्ट तक, दूसरा अपान प्राण नाभि से नीचे वाला हिस्सा जिसे हमें मूत्र रोग शुद्धि करने के लिए, स्टूल पास करने के लिए, समान प्राण हृदय से लेके नाभि तक, इसमें इंटेस्टाइन बड़ी जान छोटी जान लिवर किडनी पैनक्रिया इसी में, उद्यान प्राणायाम कंठ से लेके मस्तिष्क तक, और व्यान हार्ट से लेके पूरा नीचे तक। प्राण हमारे बाप है, अगर बाप नहीं है तो बेटा नहीं है। तो प्राण के बिना हम हमारा जीवन नहीं है। प्राण हम सोते हैं लेकिन प्राण चलते रहते हैं। प्राणायाम करने से हमारे 99.9% रोग दूर होते हैं। आसनों से ज़्यादा फायदा प्राणायाम से होता है। हमारे 8 मेन प्राणायाम होते हैं जिसका सीधा संबंध हमारे अष्ट चक्रों से होता है। जो हमारा शरीर है यही हमारा मेन शरीर है। अष्ट चक्र, जैसे सबसे नीचे मूल चक्र, उसके ऊपर सहस्रार चक्र, उसके ऊपर मणिपुर चक्र, अनहत चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, मन चक्र और कपाल चक्र। तो 8 चक्रों के लिए जिसके चक्कर सही है उसे कोई समस्या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले भस्त्रिका, उसके बाद कपाल भाती, उसके बाद बाह्या कुंभक आंतरिक कुंभक बाह्या प्राणायाम, उज्जयी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और मेडिटेशन। तो सबसे पहले भस्त्रिका, ऐसे कमर गर्दन सीधी किसी भी आसन में बैठिए, रिलैक्स होकर बैठिए। भस्त्रिका सभी सांस के रोगों के लिए, सांसों को लंबा भरना है और छोड़ना है, ये सबसे पहला प्राणायाम। जो यंग बंदे है उसको तेजी के साथ कर सकते हैं। भस्त्रिका, लेकिन जिसको बीपी हार्ट की समस्या है वो धीरे करिए। नेक्स्ट आता है कपाल भाती। गले से नीचे के कोई भी रोग है सभी कपाल भाती से दूर होते हैं। इवन कैंसर तक इसे ठीक होता हुआ देखा गया। ऐसे सांस भरा, नासिका द्वारा सांस बाहर और नाभि अंदर, ध्यान अपना नाभि के अंदर पर। हर एक प्राणायाम कम से कम 5 मिनट जरूर करिए। थर्ड बाह्या कुंभक आंतरिक कुंभक, पूरा सांस खाली करे ऐसे बाहर की ओर, पूरा सुकोचन करे ऊपर की ओर। इससे जो मंद बुद्धि इंसान है उसकी बुद्धि भी काम कर जाती है। इससे जो हमारे 8 चक्कर एक्टिवेट हो जाते हैं। पूरा खींच के रखिए, पूरा सांस खाली बाह्या कुंभक अंदर की ओर, आंतरिक कुंभक दोनों अवस्था में रुकना है। त्रिबंध मूल बंध उड्डयन बंध जंद्र बंध। नेक्स्ट उज्जयी, उज्जयी जो कि हमारे धड़ को हमारे सिर से जोड़ती है, इसका बहुत मेजर रोल है। इसको घ्राण नाल कहते हैं, ओल फैक्ट्री कैनल। जीवा को तालु के साथ अंदर की ओर सांस भरे और जान के आवाज करिए। बाई नासिका से सांस बाहर उज्जयी। mm.
नेक्स्ट आता है हमारा शीतली गर्मी में करते हैं, और भस्त्रिका सर्दियों के मौसम में कुछ प्राणायाम मौसम देख के होते हैं। अगर गर्मी है तो शीतली किया करें। इससे बीपी हाई वाले को फायदा होता है और गर्मी से प्यास से भूख से राहत मिलती है। अगर सर्दी का मौसम है तो दूसरी भस्त्रिका नासिका द्वारा। नेक्स्ट आता है अनुलोम विलोम। गले से ऊपर का कोई भी रोग है अनुलोम विलोम से ठीक होता है, इवन ट्यूमर तक इसे होता देखा गया। मैं आपके सामने एक प्रत्यक्ष प्रणाम हूँ, मेरे को आई ट्यूमर है, लेकिन मैं कृपा से अनुलोम विलोम से योग से अपने आप को सही मान रहा हूँ। लेफ्ट से सांस भरना है, राइट से बाहर। हमेशा अनुलोम विलोम हमेशा लेफ्ट से शुरू करना होता है और लेफ्ट से एंड करना होता है। इसको प्राणायाम का राजा भी बोलते हैं। गले से ऊपर कोई भी रोग है, टेंशन, प्रेशर, बीपी, हाई लो, इवन ट्यूमर तक इससे ठीक होता हुआ देखा गया है। बाईनासिका से बाहर। नेक्स्ट भ्रामरी, टेंशन, निद्रा और सभी मानसिक रोगों के लिए भ्रामरी। पांच बार, 11 बार, अंत में ओम का उच्चारण। ओम धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो इस चैनल की ओर से और इस चैनल के सभी दर्शकों की ओर से श्री दुर्गादास जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना समय और अपना प्रयास मिशन गुड हेल्थ को दिया और हम सभी को गुड हेल्थ के प्रति जागरूक किया। और अब यह हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम इन सुझाए गए आसनों से, इस प्राणायाम को हम अपनी मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा बनाएं और इसके लाभ को जन जन तक पहुँचाएं। और अगर आपको लगता है कि यह प्रयास हम सबके लिए, हमारी हेल्थ के लिए लाभकारी हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लगातार आपके लिए लेते आ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, एक नए विषय के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।